देखो अब जैसे यही क्वेश्चन मैं फिर से लेता हूँ, cos 4x equal to cos 2x, इसको मैंने फिर से लिया है ना। अब देखो इसका एक तरीका ये भी होता है कि सबको एक तरफ ले आओ, cos 4x minus cos 2x बराबर 0, देखो ऐसे भी हम कर सकते हैं, सबको एक तरफ ले आए। हालांकि ये मेथड अच्छा मेथड है नहीं है ना, इससे आप नहीं करना, पहला वाला मेथड ज्यादा अच्छा, फिर भी देखो बताता हूँ मैं आपको। अब इसमें आप cos c minus cos d लगा दो, क्या होता फार्मूला बोलो, 2 sin c plus d by 2 है ना, और sin या माइनस बाहर लगा दो है ना, sin c minus d by 2 ऐसे बराबर 0 है ना, माइनस 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2। देखो अब क्या हुआ, ये हुआ sin x into sin 3x बराबर 0। अब यहां से दो पॉसिबिलिटी है, sin x बराबर 0 या फिर sin 3x बराबर 0। कल देखो मैंने क्या बताया था कि अगर sin x बराबर 0 तो x equal to n pi कर सकते हैं है ना, और sin 3x बराबर 0 तो 3x equal to मान लीजिए k pi कर दिया, तो x equal to क्या आ गया, k pi by 3। तो फिर वही दो आंसर आ गए जो भी हमने निकाले थे, तो ऐसे भी इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब जैसे मान लो अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं sin 4x बराबर cos 2x, मान लो मैं ऐसा क्वेश्चन लेता हूं, एक तरफ मैंने sin ले लिया, एक तरफ मैंने cos ले लिया। अब देखो काम करो, इसमें तुम sin को cos में बदल दो, दो कैसे, इसको लिख सकते हैं cos pi by 2 minus 4x बराबर cos 2x है ना, sin को मैंने cos में बदल दिया। अब देखो फिर वही क्या, cos x equal to cos alpha का लगाएंगे फार्मूला, तो x equal to क्या हो जाएगा 2n pi plus minus alpha है ना, cos x equal to cos alpha, तो देखो x equal to हो गया 2n pi plus minus alpha। अब फिर वही यहां पर है, एक बार plus sign ले लो और x की value निकाल लो, और एक बार minus sign ले लो और x की value निकाल लो, तो हमें दो अलग अलग आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन cos equal to cos का है तब भी ऐसे करेंगे, sin equal to cos का है तब भी इसको cos में बदल देंगे। अच्छा अब देखो जैसे मान लो अगर क्वेश्चन sin equal to sin का होता, मान लीजिए ऐसे होता, तो अब भी हम दोनों को cos में चेंज करके कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, sin वाले फॉर्मूले में माइनस वन की पावर n आता है, जैसे कि मान लो अगर हम sin x equal to sin alpha लगाएं तो उसमें माइनस वन की पावर n आता है, तो उससे सिंप्लीफाई में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए अच्छा होगा देखो इसको लिख लो cos pi by 2 minus 4x और cos pi by 2 minus 6x। ठीक है, अब देखो cos x equal to cos alpha, तो देखो यहां से हो जाएगा x equal to 2n pi plus minus alpha है ना, cos x equal to cos alpha, तो देखो x equal to हो जाएगा 2n pi plus minus alpha, ध्यान दो है ना। और फिर वही यहां से है, एक बार प्लस साइन ले लो और एक बार माइनस साइन ले लो, तो देखो हमको यहां से भी फिर से दो अलग अलग आंसर मिल जाएंगे है ना। तो कभी भी अगर क्वेश्चन इस टाइप का है, cos equal to cos है तब भी यही मेथड, sin equal to cos है तब भी यही मेथड, और cos equal to sin है तब भी यही मेथड, लिख लो इस बात को। ठीक है,